सर माय नेम इज़ अमित एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सर मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज अ सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित। अमित, अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं। और आप अल्लाह सुबहाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा? इसीलिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुन तुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुज़िलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते के सनूरी आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन अन्नहु अल्हक, अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइज़न्स में ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालदेन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊँगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे ज़रा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने, तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आज दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हाथ से देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़ ये सारे जैसे हाथ से होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते, डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालदेन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने? और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है, आप वो मेरी DVD देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। इंशाअल्लाह अगर आप खुले जहन से ये तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। इंशाअल्लाह आखिरी सवाल।